आपने यहाँ पे स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार की कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो उसमें जो स्वनारी स्वपुरुष की परिभाषा है उसमें आपने लिखा है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार समाज निर्णीत निर्णय के अनुसार ही स्वनारी तथा स्वपुरुष की संज्ञा है, अन्यथा पर नारी पर पुरुष की संज्ञा है। तो ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैसे अलग अलग होगा? ऐसा भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो पुरुष संख्या अधिक होती है, पुरुष स्त्री पुरुष संख्या समान रहता, कहीं स्त्री संख्या अधिक हो जाती, ये भौगोलिक परिस्थिति का मतलब। इन परिस्थितियों में जो विवाह संबंध है, विवाह संबंध को स्थानीय रूप में जो रहते हैं उन्हीं की विधि से तय रहती है। अच्छा। उसको गणितीय विधि से तय नहीं किया जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पति हो और उसकी दो पत्नियां हो? हाँ, कहीं भी एक ही पति, एक ही पति हो, कई पत्नियां हो, और एक जगह में ये भी हो सकता है एक ही पत्नी हो कई पति हो, ये कई ये भी हो सकता है एक ही पति हो एक ही पत्नी हो, ये सब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की तीन स्वरूप बन गए, ये संभावना के रूप में रखा, ठीक है। इस विधि में तो चाहे तीनों विधि में अभिभावकों का परस्पर जो दो भाग होते हैं पुरुष का महिलाओं का, वो जो अभिभावकों का सहमति की आवश्यकता है, यही स्वनारी स्वपुरुष का आने का अधिकार बनता है। अभिभावकों का सहमति, अभिभावक मतलब जो जो एक पुरुष का एक स्त्री का विवाह होगी उसमें स्त्री का भी अभिभावक होंगे, अभी पुरुष का भी अभिभावक होंगे, दोनों का सहमति होने की बात कहा है। तो ये और ज्यादा कम भी होते हैं तो उन सबके अभिभावक की सहमति की बात आप कह रहे हैं, सबके अभिभावकों? हाँ, वो तो हर स्थिति में तीन स्थिति बताया, तो तीनों स्थितियों में अभिभावकों के सहमति आवश्यक है, सभी इन्वॉल्व अभिभावक। अच्छा, के लिए व्यवस्था में जीने के लिए और कई कारण है।